एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साहब जी, क्या आप इस बस्ती में खोली ढूंढने को आए? चुप। वो कुरियर कंपनी वाला हीरो इसी बस्ती में रहता है। मैं उसकी छानबीन करने आया हूँ। और सुन, तू उस तरह पूछताछ कर, और किसी पे भी शक हो ना, उसकी अच्छी तरह तलाशी लेना, समझा? चल जा। साहब सुबह आके लेके गया ना? कौन? माफ करना भाई। ये हड्डियों का ढांचा कौन है? ये हड्डियों का ढांचा नहीं, इस बस्ती के चाचा हैं। पिछले 200 साल से इसी बस्ती में रहते हैं। अच्छा, हे बड़ाओ। कौन बोल रहा है भाई? फोन नहीं किया, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इन हड्डियों के ढांचों के बीच में क्या छुपा के रखा है बेटा? इसमें खाने पीने की चीज है। खाने पीने की चीज? हाँ। ऐसा लगता है 9 साल के उपवास के बाद में आज खाने की सूझी है। नहीं बेटा, इसमें मेरे घर का सामान है। घर का सामान है या गर्द का सामान है? गर्दुल्ले? नहीं नहीं, दिखा जरा, बता। नहीं बेटा, चल बेटा, चल गलत बात है बेटा। अरे मुड़ो, क्या ये केकड़े? तू कराटे तो मराठे हूँ। पहले क्यों नहीं बोला ये आटा है? पूरा सौदा घाटे का हो गया है। जाओ आराम से, जाओ खाने पीने खाओ, जाओ जाओ जाओ, संभाल के जाने का, संभाल के जाने का। बुड्ढा है करके छोड़ दिया, कोई जवान होता ना पटक डालता यहीं पे। समझता क्या मेरे को? अभी आना। साहब आपका काम हो गया तो बोल देना, इस बस्ती में अजीब अजीब लोग रहते हैं। ये क्या नया नाटक हो रहा है? हम तुम्हारे डुगडुगी की तलाशी ले रहे हैं। अबे चमचे, अपने साहब को समझा कि बिना सर्च वारंट की कोई तलाशी नहीं ली जाती। ए ज्यादा इतरा मत, आज तो नहीं बचेगा। अरे साहब, ये हीरो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जो अपनी नजरों में और अपनी बस्ती की नजरों में जीरो बन जाए। ये बस्ती वालों की नजर में ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, साहब एक फटके में हीरो से जीरो बना देंगे। ऐसी बात है क्या? साहब जी, अनऑफिशियल एक्शन का टाइम आ गया, फोड़ डालो इसको। शेर मेरे बच्चे, छू मेरे बदले जाइए। मैंने तुम्हें भाड़ी के लिए भेजा था, शॉपिंग के लिए नहीं। जाओ उधर, छोड़ना नहीं उसको। मैंने तुम्हें समझा था बादाम, निकले मूंगफली, अब बोल जय बजरंग बली और तोड़ उस तपोरी की नली। जा जल्दी तोड़। चील का उड़ना कम, चिल्लाना ज्यादा। बगैर वारंट के पंगा मत ले। मैंने भेजा था शेर, बन गया बटेर।
मोहल्ले में जवान तो जवान, बूढ़े भी खतरनाक है। चलो निकलते हैं। पंगी, पंगी। मेरे को हीरो से जीरो बनाएगा। हीरो, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि तुम उस लड़की के साथ बहुत प्रेम करते हो। You are right, sir. और उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हो। Right, sir. लेकिन मेरी एक बात सुन लो, उसे पाने के लिए तुम्हें दिन सर, 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 मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि रानी का जो सपना है ना, वो मुझे हासिल करना है। वेरी गुड। मैं तुम्हें कल से ही एक्स्ट्रा डिलीवरी भी लगा देता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। सर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? That's the spirit. मुख्तार, वो जो पार्सल गोडाउन में पड़ा है ना, वो हीरो को दे दो और बता दो कि कहां पे डिलीवरी करनी है। जाओ। थैंक यू सर। हीरो जी, अगर तुम ऐसे ही लगन और मेहनत के साथ काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम रानी की हर उम्मीद पूरी कर सकोगे और बस्ती के हीरो से तुम रानी के वो राजकुमार बन जाओगे जिसका उसे इंतजार है। मोटरसाइकिल तेरी यार। हो गया। प्याओ, प्याओ। सॉरी भाई साहब, माफ करना भाई साहब। सारा सामान लेकर पीछे के रास्ते से निकल जा और मेरे फोन का इंतजार करना। राइट सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? हीरो को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और सर अगर वो पुलिस के पास पहुंच गया तो? वो खुद घबराया हुआ है, बेवकूफ हमें सावधान करने के लिए यहां आ रहा है। जल्दी है क्या? सॉरी अंकल। अंकल? तेरा अंकल दिखता हूँ क्या? हाँ। चल निकल यहाँ से। थैंक यू अंकल। जल्दी। क्यों हंस रहा है मैं? अंदर कर इसको। अंदर कर। चल। 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 सर वो गाड़ी ना। हाँ एक मिनट। वेरी अर्जेंट, से भी बोलेंगे।
जानता था कुछ गड़बड़ है, मैं उससे नहीं छोड़ पाया।